बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 3, केमिस्ट्री 9, एंड दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। स्टूडेंट, एज यू नो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू डिराइव अ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स पढ़ी थी, तो आपने टू टाइप्स पढ़ी थी बच्चों। एक थी गैल्वेनिक सेल एंड द फर्स्ट वन वाज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है टू डिराइव अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। अब बच्चे, आपके यहाँ पे उन्होंने एक सेल दिया हुआ है, आपको प्रॉपर इसकी डायग्राम ड्रॉ करके लर्न करनी है, इसे लेबल करना सीखना है, इसके पार्ट्स कितने हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या, दो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर और इन द मोल्टन स्टेट। और देखिए, MX लिखा है, M फॉर स्टैंड फॉर मेटल, X स्टैंड फॉर नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल मिलकर आपको पता है आयनिक सॉल्ट्स बनते हैं, और मेटल और नॉन मेटल ही इसके अंदर डिसॉल्व हैं इलेक्ट्रोलाइट में, ताकि प्रॉपर वो कंडक्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जो इसके अंदर इनर्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक है एनोड, सेकंड वन इज कैथोड, एंड थर्ड है बैटरी, दिस वन। ये बैटरी इसके साथ हमने लगाई हुई है, चूँकि इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी इसे चाहिए को ये अपना प्रोसेस करने के लिए। द फिगर शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द आउटर सर्किट। ये देखिए, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी एनोड टू कैथोड। इन द सोल्यूशन ऑफ द कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड। अब कैटाइंस क्या हैं, विच बियर पॉजिटिव चार्ज। कौन सी चीज़ एम और एक्स में से बियर कर रही है पॉजिटिव चार्ज, मेटल आयंस एम will attract towards cathode, and X which are non-metal bear negative charge and attracts towards anode. अच्छा, at anode anions oxidize by losing electron. अब anions जब इधर आएंगे, attract होंगे towards the anode, they will कहते oxidize, वो यहाँ के oxidize होंगे, जो इनके ऊपर negative बार है यानी उनके पास extra electron है, वो यहाँ पर release करेंगे आकर, इस जगह आकर। जब वो रिलीज़ करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मूव करेंगे इसके आउटर सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में। ओके बच्चों, अब आपको एट कैथोड कैटाइंस रिड्यूस, कैटाइंस जो हैं, जो मेटल आयन हैं, जो व्हेन वी दैट मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड आउटर सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर, मेटल जाकर इसको दोबारा रिड्यूस करेगा, गेन करेगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मीन्स ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड एंड डिडक्शन अकर एट कैथोड। यहाँ और एनोड पे क्या हो रहा है, सिंपल आपको पता है एक्स स्टैंड फॉर नॉन मेटल, ये अपने आके आइंस यहाँ पे रिलीज़ करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इट्स मीन इट हैज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो उसका अपना जो है एटॉमिक नंबर से ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ के इसने एनोड पे रिलीज़ करने हैं, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एट कैथोड मेटल आइंस जो हैं यहाँ के रिड्यूस हो रहे हैं कैथोड के ऊपर। अब आपका नेक्स्ट बेटा टॉपिक है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का यूज़ क्या है हमारी लाइफ में सर, इसके जो पॉसिबल यूजेज जो हैं यहाँ गिवन है, डॉन सेल्स इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट। सोडियम मेटल प्रोड्यूस करने का जो हमारे यहाँ कमर्शियल वे है वो है डॉन सेल। और जब हम ये सोडियम मेटल से अलग करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड से बना रहे हैं ना बेटा, तो सोडियम अलग मेटल में हमें मिल जाएगी, जबकि क्लोरीन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। फर्दर जो आपके इसके यूजेस आपकी बुक में गिवन है वो है नेल्सन सेल इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट आल्सो प्रोड्यूस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट। अब नेल्सन सेल किसे यूज़ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके बाद साथ ही इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर यूज फॉर द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल। इसी तरह ये हम प्रोड्यूस एल्युमिनियम मेटल कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर के यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम ये यूज़ करते हैं
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनोडाइज एल्यूमिनियम, किसे कहते हैं, जो कलर्ड होता है, जो कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम कहते हैं, और इसके सरफेस पर मेटेलिक कलर शो होते हैं। नेक्स्ट आपका है बेटा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल द सेल विच इन्वॉल्व्स स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। अब नेम वोल्टिक सेल इज गिवन टू दिस सेल बिकॉज अलेक्जेंड्रा वोल्टा जो थे उन्होंने सबसे पहले से डिस्कवर किया था सेल को। उसके बाद डैनियल ने इसको सबसे पहला वोल्टिक सेल प्रोड्यूस किया था जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करके, इसीलिए इसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है, कहता है गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। नंबर वन, जिंक बार डीप है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में, एंड कॉपर बार डीप इन अ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद इसमें एक सॉल्ट ब्रिज है, दिस वन इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज पोटाशियम क्लोराइड। इट्स साइन डू नॉट रिएक्ट टू द विद द इलेक्ट्रोड्स और विद द आइंस इन द सोल्यूशन। इट मेक्स अ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोल्यूशन थ्रू विच आइंस कैन मूव। ये कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए है, और इनर्ट इसमें पोटेशियम क्लोराइड डाला हुआ, मतलब वो रिएक्टिव नहीं है, ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए डाला ताकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस हो जाए। उसके बाद है अ वोल्ट मीटर टू मेजर करंट, दिस वन इज वोल्ट मीटर। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाता है आपका कि इसे हम हाफ सेल क्यों कहते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड हाफ सेल। देखें कि ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है, और बीच में आप देखें दो अलग अलग जगह पर इसका एनोड और कैथोड है, तो इसे हम हाफ हाफ सेल, हाफ एनोड बना हुआ है, हाफ सेल में कैथोड बना हुआ है। दिस दस अ डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल ज्वाइंट इन अ सीरीज व्हेन सर्किट इज कंप्लीट। सर्किट कब कंप्लीट होगा, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, जब सर्किट कंप्लीट होगा, इन दोनों को आप जोड़ देंगे एक दूसरे से, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जब शुरू हो जाएगा, इससे पहले इन सर्किट कंप्लीट होता है तो फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट होता है। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स बिगन टू फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड थ्रू द एक्सटर्नल वायर्स टू कॉपर रॉड। दस जिंक हाफ सेल एक्ट एज एनोड, चूँकि जिंक की तरफ से कॉपर की तरफ वो एक्ट कर, और आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे मूवमेंट स्टार्ट होती है, सो वाई जिंक एक्ट एज अ एनोड एंड कॉपर एक्ट एज अ कैथोड, सो वाई दैट इज हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड डिप इन द सोल्यूशन ऑफ दैट इट्स सॉल्ट। ओके बेटे, नेक्स्ट आपका आ जाता है जो रिएक्शन इस पर हो रही हैं, कौन कौन सी रिएक्शन डैनियल सेल में होने हैं। इन डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक रॉड थ्रू द एक्सटर्नल वायर टू कॉपर रॉड। ये आपको पता है कि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, जिंक से कॉपर की तरफ उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना शुरू करना है। होगा क्या, ये होगा क्यों, क्योंकि जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन कॉपर, यानी ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो जिंक में ज़्यादा है। जिंक एटम जो हैं वो क्या करेंगे, वो फॉर्म द रॉड गो इनटू द सॉल्यूशन एज जिंक आयन। अब जिंक जो अपनी रॉड से जिंक आयन में, जिंक के जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आपको सॉल्यूशन उसके हाफ सेल में फेल्ड है जिंक सल्फेट, उसमें जिंक जो है कैसे जाएगा, पहले जिंक अपने टू आयन्स जो हैं, टू इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देगा, लूज कर देगा अपनी एनोड के ऊपर ही, और ख़ुद वो मूव कर जाएगा आयन बन के अपने सॉल्यूशन में। अब जो टू आयन्स हैं जो रॉड पर उसने छोड़े हैं, दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इनटू द एक्सटर्नल सर्किट टूवर्ड्स द कॉपर सेल, कॉपर यानी कैथोड की तरफ, कॉपर जो रॉड है उसकी तरफ। दस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर एट एनोड कंपार्टमेंट, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन से रिलीज कर दिए और उन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया इन द एक्सटर्नल सर्किट टू द कॉपर रॉड। कॉपर आयन्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड एंड आर रिड्यूस। अब कॉपर ने क्या करना है, जो दो आयन बाहर से कहते हैं आ रहे हैं उसकी तरफ मूव कर रहे हैं जिंक की तरफ, जिंक की तरफ से उसकी तरफ, वो जिंक से जब आएंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर रॉड पर, तो वो उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन हाफ सेल अकर एट द कैथोड का पार्ट में, सच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि दोनों हाफ हाफ साइड पर हो रहे हैं, दोनों एक ही सेल में नहीं हो रहे, डिराइव नहीं हो रहे। एड एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा, जिंक ने टू आयन्स रिलीज करके जिंक आयन में कन्वर्ट होने हैं, टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और खुद मूव कर जाना है अपने इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट में,
और कैथोड पे क्या होगा, जो टू इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से कॉपर रॉड पर आ रहे हैं वो अब एब्जॉर्ब करेगा और कॉपर जो है सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और स्टील। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो जिंक प्लेटिंग है। इनको हम कोरोजन से बचाने के लिए कुछ मेटल्स को, कुछ अपनी ऑब्जेक्ट्स को हम प्लेट करती हैं। जिंक प्लेटिंग किसे कहते हैं, जो बारीक सी लेयर चढ़ा दी जाती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की, ताकि वो कोरोजन से बच जाए, ख़राब ना हो, कोरोड ना हो। जिंक प्लेटिंग क्या है, जिंक प्लेटिंग ऑन स्टील इज डन बाय द यूजिंग जिंक मेटल एज एनोड। अब जिसकी हमने प्लेट करनी होती है, जिस चीज़ पर लेयर चढ़ानी है, तय चढ़ानी है, हमेशा उसे एनोड बनाया जाता है। वजह क्योंकि एक एनोड से ही इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है टुवर्ड द कैथोड, और कैथोड वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कि हमने उसकी प्लेटिंग करनी है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ वहाँ पर पहुँचेंगे थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, तो इन जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उससे उसी के जिंक के आयन ही वहाँ जाके रिड्यूस हो के वहाँ पर डिपॉजिट होते रहेंगे। ये इसका बेटे टोटल मेथड। और हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रोलाइट उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट होता है लाजमी, यानी जिसकी आपने प्लेटिंग करनी है वही उसका सॉल्ट आप यूज़ करेंगे एज फॉर इलेक्ट्रोसाइट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा कौन इसमें क्या है यूज़ हो रहा है, पोटाशियम जिंक साइनाइड, ये क्या है इसका इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर लिटिल अमाउंट है और सोडियम साइनाइड की, ताकि इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोलिसिस ना हो। द स्टील ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड। अब जिस स्टील पर हम प्लेटिंग कर रहे हैं ना बेटा, तो स्टील को ही हमने क्या बनाना है, कैथोड बना देना है। मैंने भी आपको बताया था कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस जिंक एट द एनोड एंटर्स द सॉल्यूशन एज जिंक आयन। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जिंक अपने टू इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करके, चूँकि वो सेकेंड ग्रुप में है, टू इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट रिलीज करके खुद एंटर हो जाएगा अपने ही सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में चला जाएगा, और उसके बाद वो जिंक आयन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके कैथोड पर जाएंगे, और वहाँ जाके जिंक जो इलेक्ट्रोलाइट से उसके ऊपर जाकर इलेक्ट्रोलाइट में जिंक आयन की शक्ल में मौजूद होगा ना, वही जो अभी आयन एंटर हो रहे हैं फ्रॉम द एनोड टू द इलेक्ट्रोलाइट, वही जाके स्टील पर जाके अपने टू इलेक्ट्रॉन्स वापस लेंगे जो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आप पहुँचे, और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे रिड्यूस होकर। द इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज एट फॉलो, इलेक्ट्रोलाइट भी सिंपल आयनाइज हो जाएगा, तब उसमें वो पोल्स बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वो अलग अलग होंगे। सबसे पहले तो पोटाशियम आयन अलग होंगे, फिर जिंक साइनाइड में से जिंक अलग हो जाएगा और साइनाइड अलग हो जाएगा, और जो रिएक्शन होंगे ये इलेक्ट्रोड्स पर होंगे। ये किस पर हो रही है, ये इलेक्ट्रोलाइट में हो रही है और ये इलेक्ट्रोड्स पर होंगे एट एनोड। आपको बताया था जिंक चूँकि अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके मूव कर जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। कैसे, जिंक ने वहाँ जाके रिड्यूस होना है दोनों इलेक्ट्रॉन वापस लेकर, वहाँ जिंक मेटल की शक्ल में डिपॉजिट हो जाना है। सोडियम साइनाइड प्रिवेंट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम साइनाइड ने हाइड्रोलिसिस को इलेक्ट्रोलाइट भी जो होती है उसे स्टॉप करना है। बेटे आपको मालूम है कि ये डायग्राम मैंने आपको कॉपी पे बनवा दी थी, बहुत इजी है, एक्सेल ड्रॉ करें और उसके अंदर आपने शो करना है कि जिंक आपका एनोड है जिंक का, और जो जिंक मेटल का, और कैथोड आपने बनाना है उस स्टील ऑब्जेक्ट का जिसको कोई इलेक्ट्रोप्लेट करना आपको ज़रूरी है, रिक्वायर है, जिसको रिक्वायर है कि हम उसे इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे, प्लेटिंग करेंगे जिंक की। इलेक्ट्रोलाइट शो करें कि जिंक पोटाशियम जिंक साइनाइड है, उसको आप एरो से शो करें, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करें, और एनोड कैथोड के रिएक्शन मस्ट लिखनी है, इसके मार्क्स होती हैं, विदाउट रिएक्शन आपका ये सारा प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। ये आपका बेटे होमवर्क है, आपने नीट नोटबुक पे अपने जो आपको कहा गया कि रेफ्रिजिस्टर अप टू रजिस्टर लेने हैं आपके, उस पर लाजमी प्रॉपरली लेबल करके उसे डायग्राम ड्रॉ करके आपने सब ये ड्रॉ करके लिखने हैं, इसके आंसर प्रॉपर इसको आंसर करें, जहाँ ड्रॉ करने का कहा गया है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करनी है लाजमी, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मस्ट है शो करना, और एनोड कैथोड के रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है आपको लिखना। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम।